हाय एवरीवन, माय नेम इज सारिम, डू हैव टू मिनट? नहीं, मैंने तो अभी कुछ पूछा भी नहीं यार। मुझे पर्सनली कोई डिस्क्रिमिनेशन दिखता नहीं है, मेरे को सोचने दो। बैठे ना आप, कहाँ जा रहे हैं? अरे सुनिए ना आप, अदरवाइज रन। इसको क्या हो गया? फ्रॉम माई ओपिनियन इट्स अ वेरी शोडी बिल। फीमेल ज्यादातर आउटशाइन कर रही है मेल्स को, तो उनको जरूरत नहीं है, वो ऐसे भी कर ही लेंगी। जरूरत लड़कों को है, जरूरत लड़कों को है। दीज आर जस्ट टोकन मूव्स, टोकन मूव्स टू अपीज पीपल जस्ट बिफोर द लोकसभा इलेक्शन। ये जो लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है, अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का। हाँ, होना तो चाहिए। Why? Why not? बिकॉज ऐसे ही वीमेन आर अंडर रिप्रेजेंटेटेड इन पॉलिटिक्स, ठीक है? तो इफ दे आर गेटिंग अ सीट, दे शुड गो फॉर इट। उसके बाद इफ वी आर इन अ स्टेट की मतलब वेमेन को वी गिव दैट मच प्रायोरिटी, तो तब हम हटा सकते हैं। आई थिंक वी नीड दिस बिल बिकॉज वुमेन कैन गिव अनदर पर्सपेक्टिव एज वेल। लाइक मैन ओनली थिंक अबाउट अ सर्टन परसेंटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स, व्हाइल मैन वुमेन थिंक अबाउट अदर परसेंटेज ऑफ द प्रॉब्लम। तो एक मिक्सचर ऑफ आइडियाज आएंगे तो ग्रोथ ऑफ कंट्री विल बी मोर। जिस हिसाब से ये बिल पास हुआ उसी में पता चल जाता है कि इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं तो है, इसलिए कुछ एक्सटेंड तक अभी चाहिए जब तक हम इक्वालिटी वाले फेस तक ना पहुँचे। डू थिंक डू वी नीड दिस बिल? जेंडर इक्वालिटी, सब इक्वल करो, मेल इक्वल फीमेल इक्वल। तो यू डोंट थिंक कि हम इस चीज़ की जरूरत है? नो, जितने आजकल के मेल कैपेबल है उतने फीमेल भी है। Okay. और दूसरी बात यह है कि फीमेल ज़्यादातर आउटशाइन कर रही है मेल्स को, तो उनको ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे भी कर ही लेंगी। ज़रूरत लड़कों को है। क्या क्या ज़रूरत है लड़कों को? पढ़ते नहीं है ये, ज़रूरत इन्हीं को है। आप पढ़ते हो भाई? हमारा तो एवरेज ही चल रहा है। सी, ओनली ड्यूटी ऑफ अ लीडर और वट एवर इज नॉट टू पास द बिल ओनली, इट्स इम्प्लीमेंटेशन शुड बी फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। बिकॉज इफ यू सी एट द पंचायती राज, मेनी पीपल कंटेस्ट द इलेक्शन, बट the if you see the representation of a woman, it's very low as compared to the men. So I think if you, I'm very glad that our government has passed such a brilliant law. Yeah. But the thing is that its implementation, and its implementation should be from the ground level, so that everyone should be make aware about this. I think it's a very shoddy attempt by the government, by the ruling dispensation. So I don't know how effective it will be, but from my opinion it's a very shoddy bill. It won't be effective. It's just like another move or another trick by the Modi government to gain more votes. Bahut late aaya mere hisab se, to ye bahut pehle aana chahiye tha. हाँ, लोकल गवर्नमेंट्स में कितना पहले आ गया था, ये इतना लेट ये लोग लाए हैं क्यों मुझे नहीं मालूम, ज़रूरी तो है ही। लेकिन जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो लाए हैं वो सराहनीय कदम है सरकार का ये, और मैं सरकार को बहुत हार्दिक अभिनंदन देता हूँ कि जो हमारी नारी शक्ति है उसका जिस तरीके से बंधन किया गया। I mean, yeah, they've done already. It's about the security only. There are a lot of things that has to be done for women. First of all, lot of things बोला इन्होंने, लेकिन एक नहीं बता पा रही। It's just a security, right? I don't think इतनी reservations की, you know, ज़रूरत है। जितनी भी reservations रखी, just bus में and metro में all, metro में exactly they were needed. बट बाकी जगह, कुछ कुछ जगह में आई डोंट थिंक इट्स नीडेड, बट ऑनेस्टली हमें तो फायदा हो रहा है तो हम कुछ क्यों ही बोलेंगे, यू नो? या सेम थॉट है सर। आई मीन द ओनली थिंग दैट आई वुड वांट द गवर्नमेंट टू डू मोर इज लाइक, यू नो, इंक्रीज द सिक्योरिटी एंड ऑल, बिकॉज शिट स्टिल हैपन्स इन दिल्ली इवन दो इट्स अ सिटी, यू नो, मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो या सिक्योरिटी, इंस्टेड ऑफ यू नो इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ इशूज, व्हाई डोंट दे इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी एंड ऑल? आई डोंट नो, ये ओपनली बोलना चाहिए कि नहीं, बट जितने टाइम मैं दिल्ली में रहा हूँ, लाइक मैं नया हूँ यहाँ पे, बट जितने टाइम मैं रहा हूँ I've seen ki like there are many like vulgar men over here. To agar unki safety ke liye raat ko metro mein like agar security badhaya jaye, to that would be a better step.
मुझे लगता है कुछ भी नहीं करना चाहिए, अब औरतें अपने लिए सब खुद कर ही रही हैं, कोई मतलब हम लोग अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, और अब एज सच मुझे पर्सनली कोई डिस्क्रिमिनेशन दिखता नहीं है इतना ज़्यादा, तो मेरे लिए सब ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगती मुझे। और वुमेन के वेजेस भी बढ़ाने चाहिए, इक्वल रखने चाहिए। शायद से कर देगा, रीज़न ये है कि अब तो जैसे अब पता है सबको कि बीजेपी आने वाली है। ये कैसे पता है आपको कि बीजेपी आने वाली है? अभी तो इलेक्शन हुए भी नहीं भाई। हाँ, वोट जहाँ तक हमें पता है कि वोटिंग्स कहाँ जाने वाली है, हमने जितने भी अपने लोगों से मिले हैं सराउंडिंग्स को पता करके हमें पता है कहाँ जाने वाला भाई है। भाई तगड़ी सोर्स है तुम्हारी। सोर्स तगड़ी है बिल्कुल। कितने से जीत रही है? बहुमत से। इलेक्शन पे फ़र्क तो वैसे पड़ेगा, लेकिन क्या ना एक चीज़ उनके मेंटली हमारे लोगों में क्या है ना कि जो चीज़ फिक्स हो जाती है ना वो बस उसी को वोट देते हैं, उनके दिमाग में वही रहता है। लेकिन हाँ, हो सकता है इसे बहुत मतलब हर चीज़ से फ़र्क तो पड़ता ही है, इसीलिए इलेक्शन टाइम पे अलग अलग पॉलिसीज लेके आते हैं लोग। नहीं, अपकमिंग इलेक्शंस में तो उसका कोई रोल नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तरीके से ये तो जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 229 में आप इसको लागू करोगे और अभी आपने दे दिया है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? सरकार महिलाओं को सपोर्ट करेगी तो महिलाएँ भी तो उनको सरकार को सपोर्ट करेंगी फिर। इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो एंड जाने से पहले आप यानी कि क्वीन की जनता से एक सवाल है, व्हाट डू यू थिंक, ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है या फिर एक पॉलिटिकल आई वॉश है? डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। तब तक वॉच द क्वीन, क्वीन हिंदी, एंड स्टे ट्यून। बाय बाय। ऐसे प्लीज ही पूछ मत कर देना। वाह भाई, क्या हिंदी है तुम्हारी। तो कोई बात नहीं, गरिमा के पास चले जाते हम लोग। गरिमा वो है ना, ओहो।